ये हमारे पास एक्सरे ट्यूब है, ठीक है। ये हम उस एक्सरे की बात करेंगे जो मॉडर्न एक्सरे है, ठीक है, जो आजकल यूज़ होता है एक्सरे मशीन के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है एक्सरे ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे कैथोड है, और ठीक है, ये फिलामेंट की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, फिलामेंट की फॉर्म में इसलिए यूज़ करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और इसमें थर्मियोनिक एमिशन वाला जो प्रोसेस है वो चलता है, ठीक हो गया। लास्ट वीडियो में मैंने बताया थर्मियोनिक एमिशन वाला प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। और दूसरा, ये हमारे पास एनोड है, ठीक है। अब एनोड को हमने एक तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ, दूसरा हमारे पास इसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर होता है, ठीक है। इसके अलावा ये टिल्टेड होता है, ठीक है। किस किस वजह से होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में सारी रीजनिंग जो हैं वो बताई हैं। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा, ये टिल्टेड इस वजह से होता है कि इसमें जो इसका जो एक तो इसको बचाने के लिए, ठीक है, ताकि इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा चले, ठीक है, क्योंकि एक जगह पर जब बार बार जो एक्सपोज हो रहा है एक ही जगह पर, ठीक है, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि वहाँ पे पिट बन जाता है। तो हमने इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम एक तो इसका सरफेस एरिया जो है वो लार्ज करते हैं, लेकिन वो फोकल पॉइंट जहाँ पे आके एक्सरेज हिट करेंगी वो स्मॉल होते हैं, जैसे कि सिर्फ इस वाले एरिया पे आके एक्सरेज जो हैं इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हिट करेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें रोटर इस वाले एरिया पे आके जो हैं वो हिट करेंगी, ठीक है, इस वाले एरिया पे आके, क्योंकि हम इससे रोटर लगे हुए हैं ना इसके पीछे, इसको हम यूँ इस तरह इधर इस तरह ये पीछे ऐसे होते हैं, ठीक है, तो हम इसको इधर से यूँ घुमा भी रहे होते हैं, ठीक है, कि सिर्फ एक एरिया एक्सपोज ना हो, ठीक है। एक एरिया एक्सपोज होगा यानी कि सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर पड़ती रहेंगी बार बार रेज, या फिर इलेक्ट्रॉन एक ही ऊपर जब बार बार पड़ते रहेंगे तो वहाँ पर वो क्या उसको ख़राब कर देंगे, वहाँ से वो इतनी देर नहीं चलेगा, हमें बार बार एक्सरे ट्यूब्स को चेंज करवाना पड़ेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम इसको एक तो इसका सरफेस एरिया हम बड़ा कर देते हैं, लेकिन जो एक फोकल पॉइंट है जहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे वो स्मॉल रखते हैं, ठीक है, ठीक है। ये और क्या हो गया, इसके अलावा क्या होगा कि हम रोटर साथ अटैच करते हैं ताकि ये घूमे, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जो ये हाउसिंग की मैं बात कर रही थी, ठीक है, ये जो हाउसिंग है यानी कि ये हमारे पास इसने पूरे जो है ये स्ट्रक्चर इसको इनक्लोज किया हुआ है, ठीक है। और ये इन क्योंकि देखिए ना यहाँ पे एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, तो वो कहीं भी जा सकती हैं, ठीक है, वो जब यहाँ से प्रोड्यूस होंगी तो वो इधर भी जा सकती हैं, ठीक है, इधर भी जा सकती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो शील्डिंग यूज़ कर रहे हैं, हाउस शील्डिंग जो यूज़ कर रहे हैं वो हम लेड की यूज़ करते हैं, ठीक है। ये लेड से बनी होती है या फिर लेड इसके अंदर कोटेड होता है, ठीक है, इनर साइड पर। अब ये जो लेड होता है ये एक्सरेज को क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर तो जो एक्सरेज जा रही है वो तो अननेसेसरी है, हमें तो सिर्फ इस वाले एरिया में चाहिए, और इस वाले एरिया में चाहिए तो इसको हम कहते हैं एक्सरे विंडो, यानी कि जहाँ से एक्सरेज जो हैं वो इमिट हो रही हैं, और एक्सरे विंडो की पोजीशन वहाँ पर रखी जाती है कि जो अगेंस्ट हो, जो सामने हो पेशेंट के, ठीक है। अब ये यहाँ पे आके एक्सरेज जो हैं इस तरह इमिट इसके ऊपर पड़ेंगी, ठीक है। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे जो है हम लेड जो होता है यहाँ पर हम नहीं, इसके ऊपर लेड कोटेड नहीं होता, जबकि अगर हाउसिंग की हम बात करें तो यहाँ पर सारे एरिया पे लेड जो होता है वो कोटेड होता है। अब जितने अगर जो अननेसेसरी एक्सरेज होंगी, ठीक है, वो सबको क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसके नीचे यहाँ पर एक तो होती ये लेड की बनी होती है, यहाँ पर इसके अलावा फ़िल्टर होते हैं, ठीक है, फ़िल्टर। अब एक्सरेज जो आ रही हैं वो लो एनर्जी भी एक्सरेज आ रही हैं और हाई एनर्जी भी एक्सरेज आ रही हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें हाई एनर्जी एक्सरेज चाहिए, ठीक है। अगर लो एनर्जी एक्सरेज आ गई हैं उनमें तो इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो यहाँ से, एक तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे पेशेंट है, ठीक है। अब इसके नीचे क्या होती है, यहाँ पर ग्रिड होती है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्या होती है, ग्रिड होती है, ठीक है। इसके अलावा ग्रिड के नीचे क्या होता है, फिल्म होती है, यहाँ पे यूँ फिल्म पड़ी होती है, ठीक है। अब अगर लो एनर्जी जो एक्सरेज होती हैं ना वो आके टिश्यूज़ के अंदर स्ट्रक हो जाती हैं, ठीक है, इधर ही रह जाती हैं, वो नीचे जाती ही नहीं है।
ठीक है, तो हमें लो एनर्जी एक्सरेज नहीं चाहिए, बल्कि वो क्या करेंगी, जब लो एनर्जी एक्सरेज हैं ठीक है, वो इसको इसके अंदर से बॉडी के अंदर से पास नहीं कर पाएंगी, वो बॉडी के अंदर ही रहेंगी, जिसके रिज़ल्ट में वो क्या करेगी, डोज जो है वो बढ़ जाएगी। हालांकि हम इतनी डोज नहीं दे रहे क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही हैं सारी, निकल नहीं रही बाहर, जिसके रिज़ल्ट में उनकी क्वांटिटी जो है, उनकी अमाउंट अंदर हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से रिस्क जो है एक्सरसाइज की वजह से जो रिस्क डेवलप होते हैं, उनके चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसके लिए हम फ़िल्टर लगाते हैं। फ़िल्टर जो है वो एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है। अब एल्यूमिनियम अलाउ करता है सिर्फ़ हाई एनर्जी एक्सरेज को, हाई एनर्जी एक्सरेज को कि वो उसके अंदर से पास करेंगे, ठीक है। तो अब फिर जो हाई एनर्जी एक्सरेज होंगी वो इधर से आएंगी, ठीक है, और बॉडी के अंदर से पास करेंगी, पास करने के बाद वो ग्रिड के अंदर से पास करेंगी, ग्रिड के अंदर से पास करने के बाद वो आएंगी फिल्म के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात है, ग्रिड हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि देखें ना, अब एक्सरेज आ रही हैं, ठीक है, एक्सरेज आ रही हैं, तो वो एक्सरेज होती हैं वो अब यहाँ पर आई हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई क्या पता बोन है, क्या पता सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे यूँ ऐसे डिफ्लेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो वो रेज, अब ये देखें ना, इस वाले एरिया की डेंसिटी, यहाँ अब बॉडी स्ट्रक्चर ह्यूमन के अंदर अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी डिफरेंट होती है, हर एक बॉडी पार्ट की डेंसिटी डिफरेंट। अगर बोन की बात करें तो बोन जो होती हैं वो डेंसर होती हैं, ठीक है, ठीक है, वाटर जो है वो डेंस नहीं होता, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू की अगर हम बात करें तो वो डेंस नहीं होते, उनमें क्या होता है, वाटर भी होते हैं, ठीक है, और साथ साथ दूसरे ग्राउंड सब्सटेंस भी होते हैं, ठीक है, इसके अलावा फ्लैश भी होता है, तो जिसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि अप टू सम एक्सटेंट वो कुछ रेज को पास करवाती हैं और कुछ जो हैं वहीं पर अब्जॉर्ब हो जाते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर, ठीक हो गया। तो अब हम फिर क्या करेंगे कि इस कंडीशन में हमने क्या करना है कि हम ग्रिड लगाते हैं, ठीक है, ग्रिड लगाते हैं। अब देखें ना, यहाँ पर जो रेज जो आई अब्जॉर्ब हुई, ठीक है, और वो डिफ्लेक्ट हो गई, और अब ये डिफ्लेक्ट होके आएगी तो यहाँ पे इस वाले एरिया की इमेज यहाँ बन जाएंगी, हालांकि ये तो यहाँ पे है, ठीक है, तो इस वाले तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, दोबारा बता देती हूँ, अब यहाँ पर अब रेज जो हैं एक्स रेज आई, ठीक है, और डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कोई टिश्यू कितना डेंसर है, ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग वो डेंस वो रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन होने की वजह से अब वो रिफ्लेक्ट होके इस वाले यहाँ पे आ सकती हैं, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जा सकती हैं, तो अब इस वाले एरिया की इमेज तो इधर बननी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो इधर बन रही है, तो गलत काम तो हो गया ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम ग्रिड लगाते हैं, और ग्रिड सिर्फ जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, या फिर जो स्ट्रेट एक्स रेज होती हैं, सिर्फ उनको अलाउ करता है कि वो पास करे। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें और बात क्या बताने वाली है कि यहाँ पे क्या होता है, एक्सरेज का बता दिया। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे कोलिमेशन भी लगाते हैं, कोलिमेटर्स भी लगाते हैं, और कोलिमेटर हम सीटी स्कैन में भी लगाते हैं, ठीक है। तो कोलिमेटर्स का यही फंक्शन होता है कि वो जो बीम आ रही है ना रेज की, वो उसको नैरो कर दे, ठीक है, जो एक्स्ट्रा इस तरह से बीम आ रही होती है ना, हम देखें तो इस तरह से आ रही होती है एक्चुअल में, तो वो क्या करता है, इसको नैरो कर देते हैं, यानी कि जितनी रेज चाहिए, ठीक है, उतनी ये फिर बस फिर उतनी रेज ही जो है वो आती हैं। ठीक हो गया। कोलिमेटर का क्या काम होता है कि वो बीम्स को नैरो कर देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये सारे इस तरह से क्या करता है कि ये बनाता है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास ग्लास इन्वेलप है, ग्लास होता है, ठीक है, जिसने कवर किया हुआ होता है। इसके अलावा ये दोनों हमारे पास इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, जो कि एक कैथोड है, एनोड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज कनेक्ट किया हुआ है, हाउसिंग है, ये विंडो एक्सरे है, फिल्टर्स हमने लगाए हैं, कोलिमेटर लगाए हैं, ठीक है। उसके अलावा दरमियान में हम पेशेंट टेबल होते हैं जिसके ऊपर पेशेंट को लिटाते हैं, ठीक है। उसके नीचे जो टेबल के नीचे जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर ग्रिड होती है, ठीक है। उसके अलावा फिल्म होती है, ठीक है, जिसके ऊपर जो है वो पिक्चर बांध जाती है। अब एक और बात यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल बात है कि अगर हम फिल्म की बात करें, ठीक है,
ये फिल्म है, ठीक है, तो जो एरियाज जो बॉडी के टिश्यूज अब्जॉर्ब कर लेते हैं ना एक्सरेज को, ठीक है, बॉडी के जो टिश्यू अब्जॉर्ब कर लेंगे एक्सरेज को, तो वहाँ पे जो फिल्म का जो एरिया होगा ना वो वाइट होगा, ठीक है, जहाँ पे अब्जॉर्ब। अब मैं दोबारा बता देती हूँ, जैसे कि ये बोन है, ठीक है, बोन डेंसर होती है, वो क्या करती है कि वो एक्सरेज को अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अब ये जो बाहर एक्सरेज नहीं निकली, बहुत कम अमाउंट में बाहर निकलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस वजह से ये फिल्म के ऊपर क्या आएगी, वाइट आएगी, ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर अब क्या है, फ्लैश है, ठीक है, ठीक है, मसल्स हैं, अब मसल्स जो हैं वो ग्रे 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 आएंगे, ठीक है, ग्रे ग्रे ग्रे, क्योंकि क्यों क्यों ग्रे ग्रे आएंगे, इस वजह से आएंगे क्योंकि कुछ रेज जो हैं वो अब्जॉर्ब हो गई, कुछ जो हैं वो फिर पास कर जाएंगी, इमिट का मतलब इसके अब्जॉर्ब हो जाएंगी, मतलब कि वहीं पर रहेंगी, ठीक है, इससे बाहर नहीं निकल के आ रही। अच्छा, अब अगर हम साथ में एयर की बात करें, ठीक है, या वाटर की बात करें, एयर तो हमारे अगर हम बात करें तो पल जो लंग्स के अंदर एयर होती है ना, ठीक है, वाटर की बात करें तो वाटर जो है सारी रेज जो हैं आ जाती हैं आराम से, तो ये जो है ये डार्क अपीयर होगा, ठीक है, वाटर वाटर ये वाटर है, ठीक है। अच्छा, ये डार्क अपीयर होगा। सॉफ्ट टिश्यूज की बात करें तो वो ग्रे 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 अपीयरेंस देंगे, ठीक है। अच्छा, एयर भी जो है वो डार्क जो है वो अपीयर होगी, ठीक है। अब इस तरह से ये सारे जो हैं हम फिर डिस्टिंग्विश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक हो गया। जैसे कि अगर हम मायोसाइटस ओसिफिकेंस हैं, इनके मसल्स के अंदर जो है बोन की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, तो ठीक है। अब मस्कुलर एरिया के अंदर अगर हम वाइटिश एरिया देखेंगे तो हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि यहाँ पर कोई बोनी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए। ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रोटर हैं, ठीक है, स्टार्टर अटैच में होते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो है स्विच, हम ऑन ऑफ का स्विच होता है, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं आई थिंक सो मैंने आपको बता दिया। अगर आप फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये सारा था स्ट्रक्चर। इस तरह से एक्सरेज जो हैं वो काम करते हैं। असल काम जो होता है वो एक्सरे ट्यूब का होता है, ठीक है। तो अब हमने हिस्ट्री डिस्कस कर ली, इसके कंपोनेंट डिस्कस किए। कंपोनेंट में इसके यही इसके सारे कंपोनेंट हैं, हाउसिंग है, एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब के फिर फर्दर कंपोनेंट हैं, वोल्टेज है, ठीक है, फिल्टर हो गया, ठीक है, इसके कोलिमेटर हो गया, ग्रिड हो गया, ठीक है, फिल्म हो गया, और इसके अलावा जो ये जो सारे जो हैं ये इसके क्या हैं, कंपोनेंट हैं, ठीक है। आगे हम बात करें बेनिफिट्स और रिस्क की। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं कि अगर कोई ट्रॉमा हो गया फ्रैक्चर के अंदर हम अच्छा बेनिफिट्स की बात करें तो हम कोई फ्रैक्चर हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, इसके अलावा कोई जो है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, तो इतना खास हम क्या करते हैं कि पता चल आ लेते हैं, ठीक है, एक्सरे के अंदर, ठीक है। अगर हमें वो फौरन चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक्सरेज जो हैं वो करवाते हैं ट्रोमा के अंदर, ठीक है, फ्रैक्चर के अंदर, ठीक है। मोस्टली हम जब बोन्स को डिटेक्ट करना हो या बोन्स की डिजीज़ के अंदर हम क्या करते हैं एक्सरेज जो हैं वो करवाते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर वैसे कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो फिर हम सीटी स्कैन को प्रेफर करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बेनिफिट्स थे। रिस्क के अंदर सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है ये डीएनए को डैमेज करता है, ठीक हो गया, डीएनए को डैमेज करता है, जिसमें आ जाता है डीएनए को डैमेज कर सकता है डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। ये अब हम अगली वीडियो में करेंगे।